हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने मैथ में कुछ टॉपिक्स करे थे, अल्फ़ाबेट टेस्ट करा था, है ना। देन अपन ने कोडिंग डिकोडिंग देखा था। तो ऐसे ही अपनी एक सीरीज़ में एक और टॉपिक आता है, नंबर सीरीज़। ठीक है, देखो नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज दो चैप्टर होते हैं, बैक टू बैक ऐसा बोल सकते हैं। बट वो दोनों चैप्टर चैप्टर एज सिमिलर ही होते हैं, और इसमें देखो ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या है, क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसी के थ्रू सबसे ज़्यादा आपको मतलब उसमें पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पैटर्न पॉसिबल है, उसके देन आप सॉल्व इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन थोड़े से कुछ बेसिक्स देख लेते हैं नंबर सीरीज़ के। जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी थोड़ा अल्फ़ाबेट टेस्ट, लॉजिकल अल्फ़ाबेट्स, और देन उसके बाद देखा था कोडिंग डिकोडिंग। उसमें थोड़ा बहुत अपने को कॉन्सेप्ट चाहिए होता है कि ऐसे अप्रोचेज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें तो ये है कि आपको क्लिक करना चाहिए पैटर्न। ठीक है, तो देखो नंबर सीरीज, देखो नंबर सीरीज, ठीक है, ये अपने टॉपिक का नाम है। हाँ, अब देखो नंबर सीरीज में देखो क्या होता है कि एक नंबर की सीरीज, देखो नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज दो चैप्टर। अपन जैसे 9th क्लास में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम तो क्या, नंबर्स के बारे में नॉलेज लेने की, किस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। नंबर सीरीज मतलब कुछ सीरीज गिवन होगी, उसके बाद आपको कुछ फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज मैंने बोला 3, 5, 7, 12 और 7, 9 सो ऑन। तो अगला टर्म क्या होगा, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, तो उसमें से आपको एक चूज करना है। क्लियर। अब देखो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी अपन जो पैटर्न बना रहे हैं वो सिमिलरली आपका और भी कोई पैटर्न से आंसर आ रहा है, बट अपने को ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो सबसे पहले अपन इन दोनों का डिफरेंस वाला काम करते हैं। देखो ये +2 से आया है, +2 कर रहा हूँ तो ये आ रहा, +2 कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, तो अगले में वापस क्या करूँगा, +2 तो 11। बड़ा सिंपल हो गया, तो मतलब इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 11। बट ये देखो यहाँ मतलब सबसे सिंपलेस्ट वे है कि अपन इनका डिफरेंस निकाले, देन अपन सॉल्व करें, तो हो सकता है कि इजीली मिल जाए। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, 2, 3, 5, 7, तो नेक्स्ट टर्म पूछा है। ठीक है, तो देखो इसमें देखोगे तो इसमें एक्चुअल में हो रहा है ये एक आपकी नंबर प्राइम नंबर की सीरीज है, ऐसा कोई डिफरेंस है, कुछ लॉजिक नहीं मिलेगा, ये है आपके प्राइम नंबर की सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है, तो प्राइम नंबर की सीरीज है, तो अगला प्राइम नंबर की सीरीज में 7 के बाद कौन आता है, 11, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हो कि सर ऐसे कौन कौन से पैटर्न, देखो बहुत सारे अनाप सर पैटर्न, मतलब बोल सकते हैं लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे आप पैटर्न बना सकते हो, एग्जामिनर पे टोटली डिपेंड कर रहा है कि वो क्या पैटर्न बनाना चाह रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेना है, सपोज मैंने लिया 2, 5, 11, 23, 47 सो ऑन, तो अगला बताओ। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो, तो देखो 3 आया, फिर ये 6 आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो तो 12 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो तो 24 आ गया। तो देखो डिफरेंस से समझ में आ रहा है कि डिफरेंस डबल होता जा रहा है, तो नेक्स्ट वन भी आपका डबल हो जाएगा, तो 42, 8 इसमें ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 47 और 48, तो अगला आपका ऑप्शन मिल जाएगा 95। क्लियर, तो 95 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सर और भी कुछ लॉजिक लग रहा है कि इसमें, देखो लॉजिक तो वही है, मतलब फाइनली आंसर तो वही आ रहा है, एक लॉजिक और भी लग रहा है। देखो 2 का डबल करो +1 करो, 5 का डबल करो +1 करो, उसके बाद क्या है, 11, 11 का डबल करो फिर +1 करो। ठीक है, देन आपका 23 आया, 23 का डबल करो +1 करो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देन 47, 47 का डबल करो +1 करो। ठीक
ठीक है, तो मतलब आंसर एट द फाइनल सेम ही आ रहा है, बट दोनों पैटर्न सेम नहीं, मतलब डिफरेंट लग रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ऐसा जब करोगे तो ऐसा हो जाता है, मतलब ये वाला पैटर्न करो तो ऐसा डिफरेंस ऐसा क्रिएट होता है। उससे अपने को लॉजिक से कोई मतलब नहीं है कि कैसे क्या है, बट हाँ अपने को पता है कि ये इसका आंसर होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल आंसर था, तो ये लॉजिक भी ऐसा मिलता है आपको। ठीक है, और क्या पैटर्न मिल सकते हैं? देखो कुछ कुछ पैटर्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगली क्लास में बस सिर्फ क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, ठीक है, उसी क्वेश्चन पे अपन देखेंगे। यहाँ पे अगला टर्म पूछ लिया है ना, तो सिंपल सा है। देखो ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सो ऑन, तो आपका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अगले यार, 25। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। देन ये स्क्वायर है तो सर क्यूब भी हो सकता है, हाँ बेटा 1 8 20 64 या 27 64 64 125 नेक्स्ट वन आपको पूछा गया, ठीक है। तो ये बेटा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, अगला क्या हो जाएगा बेटा 6 का क्यूब, जो कि होता है 216 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मतलब अपने को थोड़े से ऑप्शन चेक कर लेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लॉजिक, और क्या लॉजिक बन सकते हैं? देखो क्वेश्चन दे, मतलब लॉजिक तो क्या ही दिखा लेंगे अपन, अपन तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो वन एट नाइन सिक्सटी फोर ट्वेंटी फाइव टू वन सिक्स, तो नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करो। ये एक बड़ा सा इजी क्वेश्चन है ना। तो देखो देखो क्वेश्चन को देखते ही अपने को थोड़ी बहुत फीलिंग आ जानी चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी अपनी बन सकती है, बाकी जो भी बने वो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो देखा हो बेटा कि देखो सब या तो स्क्वायर है या फिर क्यूब है। अब देखो देखने गया तो ये तो 2 का क्यूब है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है ना। और इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, बट स्क्वायर लिखने पे ये पैटर्न को फॉलो कर जा रहा है। तो देखो ये बन रहा है पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, तो अगला बेटा क्या आना चाहिए आपका 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49। तो बड़ा इजी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट होने नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, वैसे ये बोल दिया 0 3 8 15 24 35, देन नेक्स्ट वन निकालो। तो देखो ये कुछ सब दिख तो रहे हैं बट ये कोई स्क्वायर के आजू बाजू वाला दिख रहा है। ओहो तो ये तो देखो 2 का स्क्वायर -1 है, ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 4 का स्क्वायर -1 है, ये 5 का स्क्वायर -1 है, ये 6 का स्क्वायर -1 है, ये 1 का स्क्वायर -1 कर सकता हो। तो अपना बेटा आंसर आ, अरे सॉरी, अपना आंसर आ जाएगा 7 का स्क्वायर -1, तो दैट इज इक्वल टू 48 इज द करेक्ट आंसर। जैसे ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन अभी अपन लिखे नहीं है तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, चलेगा आपको दिक्कत, ठीक है बेटा। चलो और कैसा पैटर्न बन सकता है? अब इसमें तो शायद मेरे हिसाब से बेटा आप डिफरेंस भी निकालोगे ना तो भी शायद कुछ पैटर्न आपका बैठ जाए मे बी, ठीक है। सपोज मैं इसमें निकालने का ट्राई करते कोई कलर चेंज करते, ये ले लेता हूँ। चलो देखो इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 7 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या 9, इन दोनों का डिफरेंस 11। तो देखो बेटा डिफरेंस है वो आप 2-2 से इंक्रीज होता जा रहा है, तो अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा 13 आप क्या कर दो प्लस, तो 35 प्लस 13 कितना हो जाएगा बेटा आपका 48 हो जाएगा, जो कि बड़ा सिंपल है, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो एकदम ईजी क्वेश्चन है, तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, हम्म,
चलो नेक्स्ट वन और देखते हैं। टू थ्री टेन फिफ्टीन 26 35 देन नेक्स्ट वन, है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप देखो डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस तो क्या होता है अपना लॉजिकली जनरली यही रहता है कि पहले अपन डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं ना। तो ये बना आपका 9। तो डिफरेंस थोड़ा सा ऑकवर्ड सा आ रहा है, ऐसा कुछ मन नहीं रहा लॉजिक। ठीक है, तो अपन कुछ और ट्राई करते हैं। तो देखो आप देखो ये सब स्क्वायर के आजू बाजू के लग रहे हैं। तो देखो ये ऐसा बन रहा है, वन स्क्वायर प्लस वन, टू स्क्वायर माइनस वन, थ्री स्क्वायर प्लस वन, फोर स्क्वायर माइनस वन, फाइव स्क्वायर प्लस वन, सिक्स स्क्वायर माइनस वन। तो नेक्स्ट वन सेवन स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल टू 50। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हुआ है ना। तो ऐसा कोई बड़ा लॉजिकल कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इजीली है, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, अगले मैं क्वेश्चंस कुछ और लिखने की ट्राई करता हूँ जो थोड़े से डिफरेंट हो। जीरो सेवन जीरो सेवन 26 क्वेश्चन मार्क, अगला 125 12 215। अरे भाई 215 इसमें पूछा है कि आप आंसर निकाल के दे दो मेरे को। और क्या है, ठीक है सर हम निकालते हैं आंसर, ट्राई करते। देखो अब इसमें वापस आप डिफरेंस निकालने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, तो डिफरेंस आपका निकलेगा नहीं। ठीक है, तो अब अपन देखते क्या है। ये देखो सब क्यूब के आजू बाजू लग रहे हैं। तो देखो ये वन का क्यूब माइनस वन है, टू का क्यूब माइनस वन है, थ्री का क्यूब माइनस वन है, फोर का क्यूब क्या होना चाहिए माइनस फाइव का क्यूब। अच्छा ये सॉरी ये मिस्टेक होगी ना, यहाँ पर मेरे को चेंज करने पड़ेंगे, ये फोर लेना पड़ेगा। फोर का क्यूब माइनस वन, फाइव का क्यूब माइनस वन है, तो अपना आंसर तो फोर का क्यूब माइनस वन हो गया। तो अपन चिपका डाला रे, 63 बनेगा रे बाबा, कोई परेशानी नहीं हमको। ठीक है, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीरो सेक्स 24 120 210 द नेक्स्ट वन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बोलता हूँ ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है इजीली ना। बड़ा शानदार अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये मतलब अलग अलग थोड़ा हल्का सा पैटर्न हो जाएगा। अब देखो बहुत से जने इस पैटर्न को रटवाते भी हैं कि मतलब देखो कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर माइनस वन। बट याद करने की कहाँ जरूरत है, अपन तो पैटर्न निकालेंगे उससे चिपकाते चले जाएंगे, है ना। तो अपने को ऐसे रटने की जरूरत भी नहीं है। ये देखो बेटा, ये देखो जब भी जंप करता है ना, हाई जंप मतलब बोलो देखो एकदम गैप बढ़ रहा है, फाइव को सिक्स को फिर देखो 18 को फिर एकदम बड़ा बड़ा बढ़ता जा रहा है, आगे जाके तो और ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रहा है। तो देखो उस केस में या तो देखो मल्टीप्लीकेशन बढ़ रहा है, जैसे या तो ये हो सकता है कि इंटू टू कर रहा हूँ, अगली बार इंटू थ्री कर रहा हूँ, अगली बार इंटू फोर कर रहा हूँ, अगली बार इंटू फाइव कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्यूब्स में कुछ चल रहा हो। तो यहाँ पे बेटा खेल है क्यूब का। देखो ये देट बेटा वन क्यूब का माइनस वन है, ये आपका टू क्यूब का माइनस टू है, ये आपका थ्री क्यूब का माइनस थ्री है, ये फोर क्यूब का माइनस फोर है, फाइव क्यूब माइनस फाइव है, सिक्स क्यूब माइनस सिक्स है। मतलब जिसका क्यूब कर रहा हो उसी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो नेक्स्ट वन हो जाएगा सेवन क्यूब माइनस सेवन, यानी 243 माइनस सेवन, सॉरी 343 होता ना, 343 माइनस सेवन, तो आपका बनेगा 337।
हुआ ना मजेदार क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको कभी दिख सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इसी टाइप के, इसी टाइप तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा, यह आ सकता है। नहीं ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मैंने करवा ही दिया, ये नहीं था यार क्वेश्चन कहाँ गया। ये यार कहाँ लिखा था क्वेश्चन, एक ये ले लो, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो, मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, नेक्स्ट निकालना। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं जब तक अगला क्वेश्चन एक और डाउन नोट डाउन कर लेता हूँ। यार वो क्वेश्चन कहाँ गया यार, मेरे को खुद को ही लिखना पड़ेगा। ये रहा 3, 4, 10, नेक्स्ट वन ना, बट ऑप्शन दिए हुए होंगे है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में लिख नहीं रहा हूँ अपना है ना, वो बाद में अपन जब क्वेश्चन लेंगे तो उसमें ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो ये तो बड़ा सिंपल है, देखो देखो यहाँ पे जंप तेज कर रहा है, देखो जंप तेज करेगा तो मैंने हमेशा बोला कि मल्टीप्लीकेशन का खेल हो सकता है या फिर क्यूब का, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का खेल है बेटा। देखो सिंपल सा, इधर मैं इंटू टू कर रहा हूँ, अगले वाले में इंटू थ्री कर रहा हूँ, इसको इंटू फोर कर रहा हूँ, इंटू फाइव कर रहा हूँ, इंटू सिक्स कर रहा हूँ, बस। तो ये हो जाएगा 2160। बड़ा सिंपल इजी क्वेश्चन है, बट हाँ लॉजिक आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो देखो खो तो कुछ ऐसा ही रहा है, इंटू इसका वन टू करता हूँ सपोज, ठीक है इंटू टू करता हूँ तो सिक्स हो जा रहा है, और इधर इंटू देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन देखो ग्रो कर रहा है फास्ट, 33 से 1136 आ गया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ खेल होना चाहिए, देखो इंटू टू करता हूँ तो यहाँ इंटू थ्री करूँगा तो 12 है, देखो यहाँ देखो इंटू टू करता हूँ, इंटू थ्री करता हूँ, इंटू थ्री। अब देखो मल्टीपल देखो, ये देखो इसका है ना, ये कम से कम चार गुना के आसपास आ रहा है, तो मतलब ये इंटू फोर हो रहा होगा, तो यहाँ इंटू देखो ये तीन गुना आ रहा है, ये डबल के आसपास आ रहा है, ये वन टाइम्स। तो यहाँ पे बेटा पैटर्न ये बन रहा है कि इसको मैं मल्टीप्लाई वन कर रहा हूँ, फिर वन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगले वाले में क्या कर रहा हूँ बेटा, फोर को मल्टीप्लाई टू कर रहा हूँ बट ऐड भी टू कर रहा हूँ। अगले वाले में देखो 10 को मल्टीप्लाई 3 कर रहा हूँ, ऐड भी 3 कर रहा हूँ। अगले वाले में 33 को मल्टीप्लाई 4 कर रहा हूँ, ऐड भी 4 कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वन में क्या हो जाएगा, 365 into 5 प्लस 5, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5, मतलब फाइनल आंसर लिख रहा है ना, 3 ऊपर आ जाएगा, 18 1 5 6, सर ये आएगा, ये आना चाहिए कुछ ऐसे ही आना चाहिए, देखो 685 ही है क्या आंसर, सिक्स एटी फाइव। तो ये एक बड़ा सिंपल सा आपके लिए क्वेश्चन हो गया, जिसमें आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको देखो थोड़ा सा आपको नंबर्स को ऐसे ही रटना नहीं है कि हमेशा वैसे ही पैटर्न मिलेगा बेटा, कुछ भी पैटर्न मिल सकता है, बट अपने को माइंड में ये थोड़ा सा खेल रखना है कि वो ग्रो कैसे कर रहा है, धीरे ग्रो कर रहा है कि बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा मिलता है, और कुछ भी नहीं। और बाकी सिंपल सा देखो, नंबर सीरीज, मिसिंग टर्म फिगर, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज तो चलो उसको एक्सक्लूड कर दो, नंबर सीरीज, मिसिंग टर्म इन फिगर, ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि आपको क्लिक कर गया पैटर्न तो झटके में कर जाएगा, इफ डिफरेंट पैटर्न हुआ तो, नॉर्मल पैटर्न हुआ तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डिफरेंट पैटर्न हुआ तो क्लिक करने में तो एक झटके में क्लिक कर जाएगा, और नहीं करने में भले नहीं भी करे आप तड़पते रह जाओ, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा है कि सपोज कोई क्वेश्चन दिया, कोई आया मेरे पास ही आया, मैं सॉल्व करने बैठा हूँ, मेरे से क्लिक कर ही नहीं रहा वो पैटर्न, और हो सकता है कि वो कोई बच्चा ही है जो आराम से उसको 8th क्लास का बच्चा ही है, वो आराम से उसको एकदम चेक करते ही उसको क्लिक कर गया, तो वो क्लिक करने वाली बात रहती है थोड़ी सी, है ना। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ क्या ही करें सर कि हम मतलब नंबर सिस्टम के 100% क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई ऐसी ट्रिक है भी नहीं, क्योंकि आप हाँ आपके हाथ में इतना सा, आप थोड़े से प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे थोड़े थोड़े आपके माइंड में होते रहे कि हाँ इस टाइप के पैटर्न हो पाए, तो फिर आपको एक नया क्वेश्चन मिलता है तो आपके पास जितने भी पैटर्न आपके माइंड में है उनमें से कुछ लगाने की आप ट्राई कर सकते हो, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है।
चलो देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। जीरो फाइव 22 116 205। देखो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी अलग है। देखो इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा 17 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आप निकालोगे तो 4 आएगा, फिर 11 में से 9 गया, 2 गया तो 9 आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 189 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 89 आ रहा है क्या यार, गड़बड़ क्यों आ रहा है? नहीं नहीं यार थोड़ा अलग आना चाहिए, क्वेश्चन तो सही लिखा ना मैंने। फिफ्टी सेवन था यार, अरे यार 57116 था, सॉरी सॉरी 57116। ठीक है तो यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे देखोगे डिफरेंस तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, देखो 535 आ जाएगा है ना, और यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 16 सात गए तो 9 5 59 आ रही है। अच्छा ठीक है चलो ये इनका डिफरेंस आ रहा है यही क्वेश्चन। अब देखो ये डिफरेंस आ रहा है, अब देखो इस डिफरेंस में देख रहे हो ना तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बैठ रहा, इसका 3 times हो रहा है, इधर डबल हो रहा है, इधर कुछ ही 1 times हो रहा है। तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये बोल सकते हो कि डबल मतलब डिफरेंस का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और निकालो देखो 12, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो देखो 18, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 424। देखो डिफरेंस है वो, देखो डिफरेंस का भी डिफरेंस आपका 66 से इंक्रीज हो रहा है तो नेक्स्ट वन डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ पे आपका 6 इंक्रीज कर दो तो 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो इसमें 30 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 89। अब मतलब इसमें और 89 ऐड करोगे तो आपका आगे आंसर आ जाएगा 116 प्लस 89 तो 7 9। सही आ रहा है 7 1 8 19 0 2 0 7, तो 207 आपका करेक्ट है क्या? कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है चेक करना तो 39 89 116 प्लस 89 116 प्लस 89 यार क्या ही गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन 89 करोगे 207 ही आ रहा है ना यार, हाँ तो 207 ही होगा सही करेक्ट, उसमें आंसर गलत दे रखा है, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा 105555 ही होगा, सॉरी मिस्टेक मेरे एंड से गलती हो रही ठीक है तो 205 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। तो मतलब देखो ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है जिसमें आपको क्या था डिफरेंस का डिफरेंस था, ठीक है और क्या पैटर्न बन सकता है, एक ये अच्छा पैटर्न है यार, ये बड़ा मज़ेदार पैटर्न है, थोड़ा मज़ा आएगा आपको 151 158, ठीक है 172 182, ठीक है तो ये था आपका पैटर्न। इसमें आपको अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्या हो सकता है, ठीक है देखो ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो 7 का है, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 12 में से 8 गए तो 4 14 का है, ठीक है इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 10 का, अगला डिफरेंस देखो निकालना है। तो डिफरेंस इसमें बड़ा ऑड आ रहा है, बट देखो ये जो डिफरेंस है ना बेटा, ये जो डिफरेंस कौन सा वाला, ये वाला जो डिफरेंस है ना बेटा ये इक्वल है 1 + 5 + 1, मतलब इन डिजिट का सम है वही डिफरेंस है,
ये देखो 14 किसके इक्वल है, 1 प्लस 5 प्लस 8 के इक्वल है। सिमिलरली 10 किसके इक्वल है, 1 प्लस 7 प्लस 2 के इक्वल है। तो अगला डिफरेंस होना चाहिए 1 प्लस 8 प्लस 2, यानी 13 विल बी द नेक्स्ट, सॉरी 11, 1 प्लस 8 प्लस 2, तो नेक्स्ट वन विल बी आपका कितना होना चाहिए, आपका नेक्स्ट वन आपका 11 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगला आंसर होगा 193। तो था ना मजेदार क्वेश्चन, क्लियर? तो देखो अभी आज अपन ने ये डिस्कस करा था नंबर सिस्टम को, नंबर सीरीज को मैंने स्टार्ट करा है, है ना। पैरेलली हो सकता है क्लॉक टेस्ट भी अपना चल रहा हो, तो कोई तकलीफ नहीं अपने को, है ना। तो अपन क्लॉक टेस्ट भी कर रहे हैं साथ में, ये भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हो आराम से, है ना। तो ये जो आपका नंबर सीरीज था आज का एक पहला लेक्चर था, और अगले लेक्चर में ये एंड भी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें, समझने के लिए नहीं है मेन बात, ये मुद्दे की बात ये, मतलब पैटर्न देखे उसमें कुछ क्वेश्चन, अगले क्लास में ये कर लेंगे अपन, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के होंगे, कुछ नए अलग से क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट मतलब डिफरेंट इन सेंस की, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, उनको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।